ये पहला मौका है हम तो ये समझते थे कि इस पूरे भारतवर्ष में सिर्फ एक ही पटेल है आज आके पता चला कि बहुत सारे पटेल हैं मैं ये मानता हूं कि दुनिया में बहुत सारे देश गुलाम हुए लेकिन हम दुनिया में एकमात्र ऐसे देश हैं गुलाम तो हुए और उस गुलामी के बाद जब बाहर निकले तो गुलामों के लिखे हुए इतिहास को आजाद भारत को पढ़ाया जा रहा है दुनिया के बड़े बड़े विचारक बड़े बड़े संगठन हर बात पे अपने विचार रखने वाले लोग आज भी मैं ये मानता हूं कि अगर दुनिया में कोई सबसे ज्यादा झूठ बोलता है और जिन्हें झूठ बोलने झूठ सुनने और झूठ में रहने की आदत है तो विश्व में एकमात्र समुदाय है जिसका नाम है हिंदू सच बोलने से सच कहने से लोग नाराज हो जाते हैं सच की एक प्रवृत्ति होती है कि आप सच को कितना भी गहरा दबा दीजिए एक समय आता है जब सच पूरी ताकत के साथ जमीन से निकल करके बड़ा से खड़ा हो जाता है इसलिए आज इतने सारे पटेलों ने बुलाया है तो उनका नाम मैं जरूर लेना चाहता हूं और मैं सौभाग्यशाली समझता हूं कि 2012 से यह यात्रा मैंने शुरू की आयोजक अलग अलग मंदिर मुझे ले गए क्योंकि मेरा जन्म एक ऐसी जगह हुआ है जहां मंदिर नहीं था जहां 40,000 लोगों के बीच में एक अकेला परिवार था लेकिन आज एक अजीब अनुभूति है जिसको मैं शेयर करना चाहता हूं जब एयरपोर्ट पे मैं उतरा तो आरपी पटेल साहब जिन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठा करके जब एयरपोर्ट से वो होटल जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि आपको एक भूमि पूजन में हिस्सा लेना है तो अपने पूरे इस जीवन काल में एक ही भूमि पूजन देखा था मैंने अब तक जो अयोध्या में हुआ मुझे लगा कहां भूमि पूजन में इस देश की सत्ता पे बैठने वाला शीर्ष आदमी और कहां मैं उसके राज में एक साधारण सा व्यक्ति पता नहीं आज ये पटेल क्या करना चाहते हैं 100 एकड़ में उमिया धाम के मंदिर की उस नींव के पत्थर की आज जीवन में पहली बार पूजा करने का मौका मिला विश्व उमिया धाम के चेयरमैन श्री आरपी पटेल साहब दीपक भाई पटेल साहब वाइस प्रेसिडेंट धर्मिन भाई पटेल साहब ट्रस्टी रूपेश भाई बाटा ट्रस्टी सेक्रेटरी साहब निखिल पारिक साहब इस धाम के ट्रस्टी कांति काका पटेल साहब ट्रस्टी
और इस ट्रस्ट के ऑफिस के तमाम पदाधिकारी, छोटे छोटे गांव से आए हुए अनेक कार्यकर्ता देवी और सज्जनों, गुजरात में बोलना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए कि 700 साल से सनातनी हिंदू बोलना भूल गया था। एक सरदार पटेल, जिनको उस समय की सरकारों ने इतना अलग थलग किया कि लगता था कि भारत के इतिहास में सरदार पटेल सिर्फ एक नाम भर है। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि अगर कुछ आपको ऐसा लगता हो कि आप कुछ कर रहे हैं, दुनिया उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रही, मेरा विश्वास तीन घटनाओं ने ऐसा बढ़ाया है जिसके कारण मैं आपके बीच में हूं। भारतीय राजनीति में सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस और स्वतंत्र वीर सावरकर, ये तीन नाम भारतीय राजनीति के लिए बड़े अछूत थे। इनका नाम लेते में सत्ताएं परेशान होती थीं और संगठन जो घूम रहे हैं इस देश में वो बौने नजर आते थे। अब इन तीन घटनाओं को अगर आप देखें तो आपको ये विश्वास होगा कि ये जरूरी नहीं है कि आपके जीते जी आपके नाम की कोई पट्टिका इस देश के किसी सड़क के किनारे लग जाए, किसी पार्क का नाम आपके नाम हो जाए, यह जरूरी नहीं है। जो सरदार पटेल 12 जून 1828 में पैदा हुए, सरदार पटेल 31 अक्टूबर 1875 में पैदा हुए और 15 दिसंबर 1950 को वो हमारे बीच नहीं रहे। मुझे नहीं याद कि सरदार पटेल के परिवार का कोई आदमी सत्ता में किसी लाइन में खड़ा हो कि उसे टिकट दे दिया जाए, क्योंकि सरदार पटेल का बेटा है, भांजा है, भतीजा है, कोई मुझे मिला नहीं। लेकिन एक लंबे कालखंड के बाद 1991 में सत्ता के शीर्ष पर एक परिवार के विरोध में एक ऐसा शख्स सत्ता पे बैठा और उसके पास पूर्ण बहुमत भी नहीं था और कोई ऐसा भी नहीं था कि वो आदमी गुजराती हो तो कोई खास लगाव हो। जो परिवार सत्ता पे था उनको सरदार पटेल से विशेष नफरत थी, लेकिन जिस आदमी के पास पार्लियामेंट में 244 सीटें हों, अपनी सरकार न चला पा रहा हो, तब भी 1991 में सरदार पटेल को भारत रत्न मिला। आप कह सकते हैं कि सरदार पटेल को इतनी देर में भारत रत्न क्यों मिला, तो अगर आप इस मनोवृत्ति को समझेंगे, वो तथ्य को पता चलेगा, तो आपको लगेगा कि सरदार पटेल से उनके जाने के बाद भी सत्ताएं डरती क्यों थी। भारत में जितने भी पद्म पुरस्कार हैं, जिन्हें आप सिविलियन अवार्ड्स कहते हैं, ऐसी बेशर्मी की, बेहयाई की मिसालें दुनिया में नहीं मिलती, लेकिन ऐसे बेहया लोगों को, ऐसे मक्कार लोगों को हम जो है महान बताते हैं, यही हमारी
सबसे बड़ी विकृत मानसिकता है। समय पे अगर आप नहीं बोले और उसके बाद आप कुछ भी बोलते रहे, उसका कोई अर्थ नहीं है। इन नागरिक सम्मानों की जो कमेटी होती है, उस कमेटी का प्रधानमंत्री चेयरमैन होता है, लेकिन आज संचार क्रांति के दौर में लोगों को चीजें पता चल गई, तब भी लोग कहने से शर्माते हैं कि कोई नाराज ना हो जाए, किसी को बुरा ना लग जाए। इस सोच ने सनातनी हिंदू को मानसिक रूप पर भिखारी बना दिया है। 1955 में पद्म पुरस्कारों के वितरण की कमेटी की मीटिंग हुई और उस कमेटी का चेयरमैन प्रधानमंत्री था। अब यह तो कोई बताने की आवश्यकता नहीं है कि 1955 में देश का प्रधानमंत्री कौन था। फूल वाले चाचा की देखरेख में वो मीटिंग हुई, लेकिन मैं ये बात कहता हूं कि होता यह है कि जब आप कोई तथ्य रखते हैं तो एक बहुत बड़ी फौज है इस देश के अंदर, उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं। इसलिए जब यह यात्रा शुरू की तो सिर्फ एक ही तथ्य और एक ही लाइन के साथ मैं खड़ा हुआ हूं कि कितनी भी कड़वी बात हो, कितने बड़े से बड़े आदमी के खिलाफ बात हो, लेकिन वो फैक्चुअल होनी चाहिए, रिटोरिक्स नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आज हम उस दौर में हैं कि जो बच्चा अभी शायद हाई स्कूल में भी नहीं आया है, इस संचार क्रांति ने इतनी इंफॉर्मेशन उसके पास है, इंफॉर्मेशन फ्री है, अबंडेंस में है। मैं मंच पे खड़े होकर के बहुत बड़ी बड़ी बात कहूं, अगर वो बच्चा यहां बैठा होगा, जब तक मैं अपनी बात कहूंगा इतनी देर में वेरीफाई कर लेगा वो। इसलिए बड़े बड़े लोगों को लगता है हम बड़े संगठन के ठेकेदार हैं, हम कुछ भी बोल देंगे तो लोग पूछेंगे नहीं। ये वो दौर है कि अगर आपने झूठ बोला तो वो बच्चा आपके झूठ को घर तक छोड़ के आएगा। इसलिए एकदम एक्यूरेट, शुद्ध साइंटिफिक तरीके से रिसर्च की हुई बात पे बोलना है, बाकी नहीं बोलना है। और हर उस विषय पे नहीं बोलना है जिसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारे यहां जो जिस विषय को नहीं जानता वो उसी का एक्सपर्ट है। सार्वजनिक मंचों से खड़े होकर के ये कहने में क्या है भाई, मैं फला विषय के बारे में नहीं जानता हूं। टीवी वाले मुंह के आगे माइक लगा दें, लोग वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था पे बोलने लगते हैं, अपने घर की व्यवस्था का पता नहीं। लेकिन शौक है, मैं ये मना नहीं करता भाई, ये मैं इस विषय को नहीं जानता, ये हमारी बीमारी है। लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ता है, मंच पे आने से पहले किसी चीज को 10 बार वेरीफाई करना पड़ता है। यही शायद एक मंत्र है जिसके कारण इस हॉल में इतने सारे लोग मुझ जैसे साधारण आदमी को सुनने आए हैं।